गाइस व्हाट्स अप, हैप्पी लोहड़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, रीज़न बिहाइंड दैट कि मेरा पीजी का एग्ज़ाम था, तो फिर इस वजह से कोई भी वीडियो अभी पिछले 15 दिनों में मेरे चैनल पर नहीं गई। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, और आज का वीडियो होगा एक रैंडम व्लॉग। टुडे आई एम हैविंग एन इमरजेंसी ड्यूटी इन द पीडिया वार्ड, इन पीडिया इमरजेंसी। एक डॉक्टर की पर्सपेक्टिव से आई एम गोना टेल यू कि क्या होता है हॉस्पिटल में। ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि पिछले 1 जनवरी को, इस 1 जनवरी को मैंने एक छोटा सा क्लिप शॉट किया था हॉस्पिटल में। आई एम गोना इंक्लूड दैट इन दिस वीडियो बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू शेयर वॉट एवर आई फेल दैट डे। और सुबह से आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। खाना बनाया मैंने सुबह के, घर साफ किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच बनाया मैंने अभी, एंड लंच में आई मेड टुडे कुनाल कपूर के रेसिपी वाली एग बिरयानी। दिस इज एन एग बिरयानी, दिस इज एन एग बिरयानी, एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ डॉक्टर जो कि बिरयानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई बिरयानी। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें आज करना है वो है हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज भले लोहड़ी हो, न्यू ईयर हो, रिपब्लिक डे हो या कुछ भी हो, हॉस्पिटल में कभी छुट्टी नहीं होती। ओपीडीज में तो फिर भी साल में 10 दिन कुछ कुछ मिला के हॉलीडेज होते भी है, इंक्लूडिंग संडेज, बट इमरजेंसी ड्यूटी में नो हॉलीडेज। सो राइट नाउ आई एम हैविंग पीडिया इमरजेंसी, सो देर इज नो हॉलीडे एट ऑल, सो लेट्स गो। दिस इज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर्स की न्यू ईयर कहाँ मनती है, इधर इमरजेंसी में। आज 6 बजे सुबह उठकर मैं मॉर्निंग शिफ्ट करने आई हूँ, और आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी, लाइक 8 आवर्स की ड्यूटी। और सिंस पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं है न्यू ईयर के वजह से, बट स्टिल आई हैव टू सिट हियर, एंड दिस इज़ हाउ डॉक्टर सेलिब्रेट न्यू ईयर। हे गाइस, समथिंग रियली बैड हैपेंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आए थे, न्यूबॉर्न बेबी को, और जस्ट बिकॉज ठंड के वजह से बेबी लेकर आए, बोले सांस नहीं चल रही। मैंने चेक किया तो फिर उसकी सांस सही में नहीं चल रही थी, और उसे ठंड के वजह से, हाइपोथर्मिया के वजह से बेबी डायड। एंड उसके पेरेंट्स बार बार आके बोल रहे थे प्लीज़ थोड़ा चेक कर लीजिए, प्लीज़ थोड़ा चेक कर लीजिए, शायद कुछ हो पाए। लाइक न्यू ईयर के दिन ऐसा होना, इट्स रियली सैड, एंड इट्स लाइक बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। गॉड गाइस व्हाट्स अप, आई होप आपने 1 जनवरी वाली क्लिप देखी होगी। एंड मेरा मेन मोटिव ये क्लिप दिखाने का उन लोगों को ये बताना है जो कि मेडिकल एस्पिरेंट्स है कि मेडिकल फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज स्टैटिक। इट्स लाइक कि आप ऐसे आपके डेज आएंगे व्हेन यू फील लाइक शिट, ऐसे डेज आएंगे व्हेन यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू ट्रीट समवन, एंड ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, एंड वो एक मोमेंट होगा जो आपके पूरे लाइफ टाइम को अफेक्ट कर सकता है। लाइक मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए व्हेन आई फील रियली बैड, एंड व्हेन आई फील कि काश मैं कुछ कर पाती लेकिन मैं नहीं कर पाई। सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन ऑल एस्पेक्ट्स। कि कभी भी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आए, यू हैव टू बी स्ट्रांग। उस टाइम पे आई वॉज़ फीलिंग सो बैड, लेकिन मैं उस वहाँ पर वो शो नहीं कर सकती थी। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, आई हैव टू बी लाइक कि अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज वो अकेला पेशेंट नहीं था वहाँ पे, और भी पेशेंट थे, तो मुझे उससे ध्यान हटा के दूसरे पेशेंट पे भी ध्यान देना था।
सो बींग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क. आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्पेशली इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है. एंड द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू फॉरगेट ऑल दी बैड मेमोरीज. जो भी कल की एक्सपीरियंस आपका रहा है या फिर कल का जो भी बैड मेमोरीज रहा है सबको भूल करके आपको नए दिन नए शुरुआत करनी पड़ती है नए तरीके से. यू हैव टू हैव दैट स्माइल इन योर फेस ताकि आपको देख कर पेशेंट्स को भी अच्छा लगे, ना कि आप अपसेट है तो ये देख कर पेशेंट और घबरा जाए. सो दिस इज अ वेरी इमोशनली मेंटली चैलेंजिंग टास्क टू बी अ डॉक्टर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज टू एवरी वन यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर कि अगर आपका जिस चीज़ में जी लग रहा है उसी में जान लगाइए. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस फील्ड को लेकर के एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू आर इमोशनली मेंटली एंड फिजिकली वेरी फिट कि आप मेडिकल प्रोफेशन का स्ट्रेस झेल पाए, अगर आप इसमें इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि आप हर सिचुएशन को टैकल कर पाए वेरी स्ट्रांगली, देन ओनली यू शुड ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर. ऑन दैट नोट आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर क्या एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल में ये शेयर करूँ, देन डू लेट मी नो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.